हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम समझने जा रहे हैं पोमीग्रेनेट के बारे में कि पोमीग्रेनेट जिसे हम अनार भी कहते हैं, अनार कैसे हमारे ब्लड को इंक्रीज करता है, क्या ये सच है या ये एक मिथ है, तो उसके बारे में आज हम समझेंगे। बेसिकली क्या होता है, ये हमारे डायरेक्टली हमारे ये ब्लड को इंक्रीज नहीं करता है, हमारे ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, आपने अब सभी ने सुना होगा हीमोग्लोबिन के बारे में। हमारा जो ब्लड रेड है, रेड किसके वजह से, हीमोग्लोबिन के वजह से। ठीक है, तो ये जो अनार है ये हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसको इंक्रीज करता है। अब कैसे करता है, क्यों करता है, उसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पे एक डिजीज आ जाता है जिसको बोलते हैं हम अनीमिया। जब हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को, उस डिजीज को हम बोलते हैं अनीमिया। यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन से बनता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। यहाँ पे जो अनार है यानी कि जो पोमीग्रेनेट है वो कैसे वो हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करेगा, तो उसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पे है पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम और भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे विटामिन सी हमारा हेल्प कर रहा है। यहाँ पे विटामिन सी का काम क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो यहाँ पे पोमीग्रेनेट क्या करता है, यहाँ पे पोमीग्रेनेट में होता है विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है, हमारे बॉडी में जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, आयरन को और भी जल्दी एब्जॉर्ब कर पाते हैं विटामिन सी वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, हम और भी ज्यादा आयरन को एब्जॉर्ब करते हैं, आयरन से ही हीमोग्लोबिन बनता है। अगर आयरन की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी तो यानी कि हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज करेगा ब्लड के अंदर। तो इसी तरीके से जो विटामिन सी है वो हीमोग्लोबिन को हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और इसी तरीके से हम अनीमिया को क्योर कर लेते हैं। और इसी वजह से अनीमिया जैसे केस में पोमीग्रेनेट जैसा फ्रूट हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और वीडियो आपको किसी भी एंगल से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।